हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सेल। मेरे चैनल सेल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के वीडियो लेके आई हूं स्थेटोस्कोप। स्थेटोस्कोप किस तरीके से होता है और किस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है और कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है। डॉक्टर्स को बिना स्थेटोस्कोप के पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर्स की जो पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके, तो स्थेटोस्कोप के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज हमारी लाइफ में या हमारी मेडिकल फील्ड में स्थेटोस्कोप कितना इम्पॉर्टेंस है। बॉडी के कई साउंड्स होते हैं जो कि हम बिना स्थेटोस्कोप के नहीं सुन सकते हैं, तो चलिए हम उसी उपकरण की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं चलती हूँ अपने स्थेटोस्कोप जहाँ पर मैंने सजा के रखा है उस तरफ। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है स्थेटोस्कोप, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये स्थेटोस्कोप है, इसको बोलते हैं स्थेटोस्कोप, मींस होता है आला। हम देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आला। आला से क्या सुनते हैं? बॉडी की कई तरीके की आवाजें। तो चलिए मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। जो स्थेटोस्कोप है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 चेस्ट पीस। ये क्या है? चेस्ट पीस। ये यहाँ से चेस्ट पीस है और इसका जो दूसरा भाग है ये है ट्यूबिंग, यानी कि ट्यूब। ये क्या है? ये ट्यूबिंग है। एंड थर्ड, ये इसको क्या बोलते हैं? हेडसेट। ये यहाँ से क्या है? हेडसेट है। तो इसको आपने समझ लिया, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हेडसेट की। कहाँ से ये बात करते हैं? हेडसेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हेडसेट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक है ये ईयर पीस। ये क्या है? ईयर पीस। ईयर पीस बोलते हैं या इसको ईयर टिप भी बोलते हैं। ये है ईयर पीस या ईयर टिप। एंड ये है ईयर ट्यूब। और ये क्या है? ईयर ट्यूब। ये हो गया हमारे 2 पार्ट्स। जो ईयर टिप होता है वो ये हार्ड मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, लेकिन जो मतलब के डॉक्टर्स होते हैं या हमें जिस तरीके से ये सॉफ्ट ईयर पीस को ही प्रेफर करना मांगते हैं, और ये थोड़ा सा ये देखिए सॉफ्ट रबड़ का बना हुआ मटेरियल होता है। तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हट जाता है और यदि हमको अच्छे उसका चाहिए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका ईयर ट्यूब है। ये मेटल का बना होता है, ये अल्मोनियम का बना होता है। ये इसलिए इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि जो इसकी आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई दे, यानी कि जो हार्ट साउंड्स है वो हमारे ईयर तक अच्छे से पहुँच सके। तो ये जो ईयर ट्यूब होता है वो ईयर पीस से कनेक्टेड रहता है, यानी कि ईयर पीस इसमें कनेक्टेड रहता है। और देखिए फिर इसके बाद में आता है ट्यूबिंग। ट्यूबिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारी ट्यूबिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ईयर ट्यूब से। कहाँ से? ईयर ट्यूब से स्टार्ट होती है, ये देखिए। और ये जाती है स्टेम तक। ये आप जो देख रहे हैं ये आपको जो लंबा लंबा सा दिख रहा है ये स्टेम है। ये स्टेम से कनेक्ट होके एयर ट्यूब तक कनेक्ट रहती है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबिंग। जो ट्यूबिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कभी कभी इसमें यहाँ पे 2 लूप बने रहते हैं, ल्यूमन। ल्यूमन जो 2 ल्यूमन रहते हैं, यानी कि सिंगल ल्यूमन टाइप एंड डबल ल्यूमन टाइप। तो ये है सिंगल ल्यूमन टाइप का। जो डबल ल्यूमन टाइप होता है वो इसलिए है कि साउंड्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छे से सुनाई देती है, लेकिन किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी ट्यूबिंग। और ये जो ईयर ट्यूब है इसको हम बाइनोरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोरल्स भी इसको बोलते हैं। और ये हो गई हमारी ट्यूबिंग। जो हमारी ट्यूबिंग है वो बाइनोरल से कनेक्ट होके हमारे स्टेम तक कनेक्ट रहती है, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारे ट्यूब की बात हो गई, हमने हेडसेट की बात कर ली और ट्यूब की बात कर ली।
अब आते हैं हम चेस्ट पीस की। ये जो है पूरा ये है चेस्ट पीस, इस तरीके से जो राउंड राउंड सा बना हुआ है ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस को हम टू पार्ट्स में जान सकते हैं, एक डायाफ्राम एंड बेल, जो इस तरफ है जिसमें डायरेक्ट हम स्किन से टच करके साउंड सुनते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये, तो ये है डायाफ्राम और ये है बेल। डायाफ्राम का क्या मतलब है, मतलब कि डायाफ्राम जो है वो हार्ट बीट सुनने के काम में आता है, यानी कि कई सारे साउंड्स होते हैं जैसे लंग साउंड है, हार्ट साउंड है, बाउल साउंड है, फीटल हार्ट साउंड्स हैं, ये सारे साउंड्स डायाफ्राम से सुन सकते हैं। और जो बेल होता है, बेल को हम हमेशा बच्चों में यूज करते हैं जिसमें बहुत सी धीमी आवाज़ होती है, यानी कि इसका बहुत कम लाउड होता है साउंड्स, और डायाफ्राम में ज़्यादा लाउड सुनाई देता है और बेल से बहुत कम सुनाई देता है। इसका यूज हम पीडिया में करते हैं, बच्चों को के हार्ट साउंड सुनने में काम आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा जो पतले लोग होते हैं उनका क्लियर आवाज़ नहीं होती उससे ये सुन सकते हैं। किसी किसी स्टेथोस्कोप में बेल नहीं होता है, ओनली डायाफ्राम ही होता है। तो मैं बता दूं, और ये जो आपकी ये जो पीछे से ये लगी है ये है चिल रिंग, इसको बोलते हैं हम चिल रिंग। ये क्या है, स्किन और डायाफ्राम के बीच के जो बैरियर को है उसको स्किन और ये डायाफ्राम के बीच के बैरियर को बनाए रखता है। इसलिए इसमें देखिए ये मेटल की चिल रिंग लगी है और इस तरफ यहाँ पे रबर की लगी है, लेकिन किसी किसी में ये रबर से ही लगी रहती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, इसको लगाने का तरीका एक और ये भी होता है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए ये रख लिया, ये ईयर पीस है। ईयर पीस क्या है, नीचे हमारे देखिए ये बेस से टच है, यानी कि जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ये देखिए ये स्पेस है, तो बस इसको उठाना है और सीधे अपने ईयर पे लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है, तो इसके बाद में हमें क्लियर साउंड्स आते हैं। फ्रेंड्स ये गलती हमें कभी नहीं करनी है कि इस तरीके से हमने इसको लगाया तो ये हो जाएगा हमारा उल्टा, यानी कि ये रॉन्ग तरीके से लगा हुआ होता है। हमेशा इसको इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि अब ये सही है, और इसको उठा के हम अपने ईयर में अप्लाई कर लेते हैं और पेशेंट्स का जो भी साउंड्स है वो सुन लेते हैं, तो ये बहुत सारे काम में आते हैं। तो फ्रेंड्स बस ये था, और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो से आपको जरा सा भी नॉलेज मिला है या जानकारी प्राप्त हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आपको नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।